प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना हस्तक्षेप का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि श्रीकांत वर्मा का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। आइए आज हम कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप का अध्ययन करें। कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। जब सत्ता निरंकुश हो जाती है, सत्ताधारी लोग क्रूर हो जाते हैं, तो उनकी क्रूरता के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों को इस कविता के माध्यम से चित्रित किया गया है। श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित कविता हस्तक्षेप में सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है। किसी भी जनतांत्रिक व्यवस्था को निरंकुश होने से बचाने के लिए उसमें यथासंभव यथा आवश्यक होने पर हस्तक्षेप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि व्यवस्था निरंकुश होने से बची रह जाए। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की जरूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन किया गया है, जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए कोई गुंजाइश ही शेष नहीं छोड़ी गई है। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहां पर मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, मुर्दा भी हस्तक्षेप करके ऐसा पूछ सकता है कि मनुष्य क्यों मरता है, जहां पर मुर्दा भी हस्तक्षेप करते हुए प्रश्न उठा सकता है, तो उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। जीता जागता मनुष्य भी होने वाली विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं पर प्रश्न उठाते हुए हस्तक्षेप कर सकता है, और वह निरंकुश सत्ता को जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सत्ता में परिवर्तित कर सकता है। तो आइए अध्ययन करते हैं इस कविता का, वाचन करते हैं हस्तक्षेप शीर्षक कविता के प्रथम काव्यांश का। कोई छींकता तक नहीं इस डर से, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। कोई छींकता नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है, मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। सबसे पहले इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह मगध से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में हस्तक्षेप शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। इस काव्यांश में मगध को शासन व्यवस्था का प्रतीक माना गया है। मगध को शासन व्यवस्था का प्रतीक मानते हुए कवि इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करके मगध में शांति बनाए रखने का अनुरोध करता है। कवि कहता है कि मगध मगध है और इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी ही चाहिए। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करते हुए इसमें शांति बनाए रखना चाहिए। शांति बनाए रखने का अनुरोध करते हुए डरे हुए लोगों पर व्यंग किया गया है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को मगध बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। छींकता, कोई छींकता तक नहीं, छींकता से आशय है किसी के कार्य में छींक कर बाधा उत्पन्न करना, एक प्रकार का हस्तक्षेप माना जाता है। छींकना अपशकुन माना जाता है
एक बाधा के रूप में माना जाता है और इस प्रकार से किसी के कार्य में छींक कर बाधा उत्पन्न करना एक प्रकार का हस्तक्षेप ही कहा जा सकता है। मगध, मगध से आशय है मगध, मगध से आशय है वर्तमान शासन व्यवस्था। प्रतीकात्मक रूप से वर्तमान शासन व्यवस्था को मगध कहकर कवि संबोधित करता है। भारत का एक पुराना शक्तिशाली राज्य जरासंध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि का राज्य मगध। मगध भारत का एक पुराना शक्तिशाली राज्य जरासंध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि का राज्य है मगध। और वर्तमान में इस कविता में कवि ने मगध को वर्तमान शासन व्यवस्था का प्रतीक बताया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। कवि कहता है कि मगध में शांति व्यवस्था बनी रहनी ही चाहिए, कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो जाए इस डर से कोई छींकता तक नहीं, कोई छींकता तक नहीं, किसी भी प्रकार से वह बाधा उत्पन्न नहीं करता, किसी भी प्रकार से वह कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता, किसी भी प्रकार से वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। कोई छींकता तक नहीं, छींकने से आशय है बाधा उत्पन्न करना, हस्तक्षेप उत्पन्न करना, प्रश्न पूछना। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध यानी वर्तमान शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, वर्तमान शासन व्यवस्था जो भले ही निरंकुश शासन व्यवस्था के रूप में चल रही हो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, मगध की शांति बनी ही रहनी चाहिए। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो, यानी वर्तमान शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। शासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था के कर्ता धर्ता लोगों के बीच में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। कवि कहते हैं कि यदि मगध है तो शांति है, और मगध प्रतीकात्मक रूप से वर्तमान शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया है। यदि वर्तमान शासन व्यवस्था को बनाए रखना है और वर्तमान व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है तो इसमें शांति का होना अत्यंत आवश्यक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मगध में शांति व्यवस्था बनी रहनी ही चाहिए, कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो जाए इसी डर से मगध में कोई छींकता तक नहीं है। निरंकुश शासन तंत्र द्वारा इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया है कि यदि मगध को मगध बनाए रखना है तो मगध में शांति बनाए रखनी होगी, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। अर्थात शासक वर्ग नागरिकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर चुप रहने को कहता है और उन्हें इस प्रतिबंध के विरुद्ध आवाज भी नहीं उठाने देता। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए, मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए, मगध है तो शांति है। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में खलल दखल न पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से है, व्यवस्था, व्यवस्था से आशय है इंतजाम, पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा इंतजाम होना चाहिए। दखल, दखल से आशय है रोक टोक होना, टोका टाकी होना, किसी भी प्रकार का दखल होना, किसी भी प्रकार की रोक टोक होना। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से ऊंची आवाज में अपनी बात नहीं कहता, कोई भी चीख करके अपनी बात प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं मगध की शांति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की खलल पैदा नहीं हो जाए, किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो जाए। कोई चीखता तक नहीं, चीखने से आशय है उच्च स्वर में अपनी बात कहना, ऊंचे स्वर में चीख चीख कर अपनी दुख से भरी हुई, शोषण से भरी हुई, उत्पीड़न से भरी हुई बात कहना। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए, मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए, क्योंकि मगध प्रतीकात्मक रूप से शासन व्यवस्था के लिए प्रयोग किया गया है और शासन व्यवस्था
को चलाने वाले लोग और शासन व्यवस्था में पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मगध के शासन तंत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार से अपने दुख को इस डर से अभिव्यक्त नहीं करता कि कहीं मगध की व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। इसलिए शांति के लिए अपनी भावनाओं को भी यदि दबाना पड़े, मगध में शांति बनी रहे, इसलिए यदि नागरिकों को अपनी भावनाएं भी दमन करनी पड़े, उनको दबाना पड़े, अपनी आवाज को दबाना पड़े, तो नागरिकों को मगध की व्यवस्था को बनाए ही रखना चाहिए। कवि व्यंग भरे भाव से कहता है कि निरंकुश शासन द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने के लिए शांति व्यवस्था भंग न होने देने का भय दिखाया जाता है। शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई चीखता तक नहीं है, ऊंचे स्वर में अपने दुख को अभिव्यक्त नहीं करता है, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद नहीं करता है, कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। विशेष इस प्रकार से है, मगध शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप में हुआ है, यह शासक वर्ग अथवा शासन व्यवस्था का प्रतीक है। छींकता तक नहीं से कवि ने निरंकुश शासन तंत्र से भयभीत जनता की मनोदशा का वर्णन किया है, मनोदशा को व्यंजित किया है। सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो वह जनता को डराती व धमकाती है। निरंकुश होने पर सत्ता जब निरंकुश हो जाती है तो वह जनता को डराती और धमकाती है। शांति कायम रखने का सहारा लेकर जनता के विरोध को दबाकर रखा जाता है, जनता के विरोध को दबाकर रखा जाता है। उनसे कहा जाता है कि यदि आप आवाज बुलंद करेंगे तो इससे शांति भंग होने का खतरा हो जाएगा। कविता एतुकांत है, व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। कवि के मन का आक्रोश इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। आइए अगला काव्यांश देखते हैं। मगध में न रही तो कहां रहेगी, क्या कहेंगे लोग। शांति व्यवस्था मगध में न रही तो कहां रहेगी, क्या कहेंगे लोग। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। इसका संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत काव्यांश श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह मगध से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग एक में हस्तक्षेप शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, इसमें कवि राजसत्ता की निरंकुशता के प्रति अपना आक्रोश अभिव्यक्त करता है। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, क्या कहेंगे लोग। लोगों का क्या, लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि शासन तंत्र द्वारा लोगों से यह कहा जाता है कि यह शांति व्यवस्था मगध में नहीं रहेगी तो फिर कहीं भी नहीं रह सकती है। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी, मगध में न रही यानी शांति, मगध में न रही यानी व्यवस्था, मगध में शांति और व्यवस्था यदि नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, फिर तो और किसी स्थान पर शांति और व्यवस्था रह ही नहीं सकती है। क्या कहेंगे लोग, और जब मगध में शांति और व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो लोग इस प्रकार से मगध की आलोचना करेंगे, मगध की शासन और सत्ता पर काबिज लोगों के चरित्र और उनके कार्यों की आलोचना करेंगे। लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे, अलग अलग प्रकार की बातें कहेंगे, और इस प्रकार से क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या। कवि कहता है कि लोगों का क्या, लोग तो कहते ही हैं, लोग तो अव्यवस्था देखते हैं तो उस अव्यवस्था का भी जिक्र करते हैं, अव्यवस्था पर भी प्रश्न उठा देते हैं, और विभिन्न प्रकार की बातें लोग कहते ही रहते हैं। लोग तो यह भी कहते हैं, और कवि इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लोग तो ऐसा भी कहते हैं
कि मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। यानी मगध की, मगध राज्य की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रही है, उसको देखते हुए कवि अब कहता है कि वर्तमान में अब मगध पहले जैसा मगध नहीं है, न तो वो सांसोकत है, न वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, न ही वह ऐतिहासिक महत्व से भरा हुआ मगध है। अब तो मगध केवल कहने के लिए ही मगध है, रहने को नहीं। यानी अब मगध में रहने लायक स्थान नहीं है, मगध रहने लायक स्थान नहीं बचा हुआ है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि शासन तंत्र द्वारा लोगों से यह कहा जाता है कि यह शांति व्यवस्था मगध में नहीं रहेगी तो फिर कहीं भी नहीं रह सकती है, और यदि यह भंग हो गई, यदि मगध में शांति और व्यवस्था भंग हो गई तो लोग क्या कहेंगे, अर्थात लोग शासन और सत्ता की निंदा करने लगेंगे, उसका विरोध करने लगेंगे। अतएव इस प्रकार सत्ताधारी वर्ग द्वारा शांति स्थापना की आड़ लेना एकमात्र बहाना है, क्योंकि लोगों का क्या, लोग तो दबे मुंह यह भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ नाम का ही मगध है, कि अब वह रहने लायक नगर नहीं बचा है। मगध की वह ऐतिहासिकता, वह राजनीतिक और सामाजिक विरासत और उसकी उत्कृष्टता अब शेष नहीं बची है, अब तो केवल मगध नाम का ही मगध बचा है और वह रहने लायक स्थान नहीं है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं, टोकना, टोकने से आशय है पूछना, रोकना, रिवाज, रिवाज से आशय है आदत, परंपरा, इस प्रकार का रिवाज नहीं बन जाए, परंपरा नहीं बन जाए, लोगों की इस प्रकार की आदत नहीं बन जाए। कोई टोकता तक नहीं इस डर से, और कोई भी अब टोकता नहीं है, कोई प्रश्न नहीं उठाता है, विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध, शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध कोई भी प्रश्न नहीं उठाता है, कोई टोकाटाकी नहीं करता है, कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। इस डर से कोई भी नागरिक हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी रोक टोक नहीं करता कि ऐसा करने से हो सकता है कि टोकने का, टोकने का रिवाज ही मगध में बन जाए, बात बात पर प्रश्न उठाने का रिवाज ही मगध में बन जाए, निरंकुश सत्ता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का रिवाज बन जाए। इस प्रकार कवि कहता है कि यहां मगध में कोई किसी को टोकता तक नहीं, अर्थात यहां कोई भी सत्ता पक्ष इस भय से किसी को भी नहीं टोकता कि कहीं मगध में टोकने का रिवाज ही न बन जाए। कवि अप्रत्यक्ष रूप से यह कहना चाहता है कि शासन व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत रहती है, अन्यथा व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। विशेष देख लेते हैं इन पंक्तियों का। कवि ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है और इसका प्रयोग करते हुए निरंकुश शासन सत्ता पर करारा व्यंग किया है। शब्दों के प्रयोग में मितव्ययता है, कम से कम शब्दों में अधिकतम और सार्थक अर्थ प्रस्तुत किया गया है, भाषा सहज और सरल है, कविता एतुकांत है तथा कई स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगत होता है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से, जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा, जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है, मुर्दा यह हस्तक्षेप करता है, मनुष्य
क्यों मरता है। आइए इन पंक्तियों से संबंधित संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह मगध से अवतरित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग एक में हस्तक्षेप शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, कवि कहता है कि सत्ता की निरंकुशता के विरुद्ध यदि एक बार हस्तक्षेप करना प्रारंभ हो जाए, कवि श्रीकांत वर्मा कहते हैं कि सत्ता की निरंकुशता होने की स्थिति में यदि एक बार प्रश्न उठाते हुए हस्तक्षेप करना प्रारंभ हो जाए तो फिर इसका सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर यह प्रारंभ ही हो जाता है। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप से आशय है दखल देना, हस्तक्षेप करना, बीच में दखल देना। कतराओ, कतराओ से आशय है बचने का प्रयास करो, कितने भी कतराओ, कितना भी बचने का प्रयास करो। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि शासन व्यवस्था और सत्ता पक्ष के विरुद्ध यदि एक बार प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया जाए, यदि हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया जाए, तो यह हस्तक्षेप लगातार लगातार चलता ही रहता है। यह हस्तक्षेप रुकता नहीं है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों से सत्ता निरंकुश होने से बचती है। लोकतांत्रिक मूल्य लगातार चलते रहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होती रहती है। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मगध निवासियों को सावचेत करते हुए, चेतावनी देते हुए कहता है कि कितना भी कतराओ, तुम कितना भी बचने का प्रयास करो, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। लेकिन तुम हस्तक्षेप से बच नहीं सकते, शासन सत्ता के लोगों, तुम कितना भी बचने का प्रयास करो, तुम पर नागरिक, तुम पर जनता अवश्य ही प्रश्न उठाएगी, अवश्य ही हस्तक्षेप करेगी। कवि कहता है कि यदि एक बार नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर हस्तक्षेप करने लगे तो फिर वे शासक वर्ग से अव्यवस्था होने पर प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, फिर यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप, फिर तो एक बार प्रश्न पूछना शुरू हो जाता है, हस्तक्षेप करना शुरू हो जाता है, तो यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। कवि का कहना है कि मगध के नागरिक चाहे कितना ही बचने का प्रयास करें, बचने की कितनी ही कोशिश करें, परंतु वे इस हस्तक्षेप से नहीं बच सकते हैं। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। जब कोई नहीं करता तब, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि शासन सत्ता जो निरंकुश हो गई है, जो शोषण और दमन के साथ में खड़ी है, जो लोगों के जन कल्याण का कार्य नहीं कर रही है, ऐसी सत्ता के विरुद्ध जब कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा, ऐसा व्यक्ति जो मृत हो चुका है, वह भी यह प्रश्न कर हस्तक्षेप कर सकता है कि मनुष्य क्यों मरता है, मनुष्य की मौत क्यों होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जब कोई हस्तक्षेप नहीं करता, सब बचने की ही कोशिश करते हैं, तब नगर के बीच से गुजरने वाला मुर्दा भी मनुष्य के मरने पर कि मनुष्य क्यों मरता है, वह मुर्दा मनुष्य के मरने पर भी कि मनुष्य क्यों मरता है, प्रश्न खड़ा करते हुए हस्तक्षेप कर देता है। एक मुर्दा द्वारा, एक मृत व्यक्ति द्वारा, एक मुर्दा द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की स्थिति में तब भला जीवित लोग कैसे चुप रह जाएंगे। यानी कवि कहता है कि जब मुर्दा व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है तो जीवित व्यक्ति तो अवश्य ही
अव्यवस्था पर प्रश्न उठाएंगे, अव्यवस्था पर हस्तक्षेप करेंगे। जो निरंकुश शासन व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए वे हस्तक्षेप करेंगे। अर्थात भाव यह है कि सत्ता की निरंकुशता का विरोध नागरिकों का अधिकार है। अंततः सामान्य जनता निरंकुश शासन का साहसपूर्वक विरोध करने लगती है। हस्तक्षेप करते हुए, प्रश्न उठाते हुए निरंकुश शासन व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बदला जा सकता है, और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था निरंकुश व्यवस्था में बदल नहीं जाए उसको रोकने के लिए भी हस्तक्षेप किया जाना बहुत आवश्यक है। विशेष देख लेते हैं इनका। व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। मुर्दा शब्द सामान्य जन का प्रतीक है और मगध निरंकुश शासन तंत्र का प्रतीक बताया गया है। वर्तमान भारत में भी एक बार इस प्रकार का शासन रह चुका है। हस्तक्षेप आवश्यक है और इसके बिना शासक निरंकुश हो जाएगा। सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता ऐतुकांत और प्रतीकात्मक है। कवि का व्यंग बहुत ही मुखरता से अभिव्यक्त हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप, का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम कवि श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित रचना, जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप, से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।